आपने देखा धर्मराज के कॉलेज फ्रेंड्स और कादंबरी के भावी सास ससुर के घर आने से सब संतों के साथ अच्छा पेश आने का दिखावा करते हैं। मेघना बेन के कारण संतों को धर्मराज के कमरे में रहना पड़ता है और ये बात वसुधा बेन को गवारा नहीं होती। मेघना बेन घर में सभी को तोहफा देती हैं और धर्मराज से संतों को हार पहनाने के लिए भी कहती हैं। अब आगे सुंदर लग रही है इस नेकलेस में। ये तो शादी के कपड़ों गहनों में और भी सुंदर लग रही होगी ना। मुझे देखना है तुम्हें डीएम ने शादी में क्या क्या दिया। मेघना नहीं बा, ठीक है। अगर मेघना देखना चाहती है तो बस एक हाथ धोकर आता। मोटी बहन, ये शगुन का नारियल और पैसे मैं कादंबरी को देना भूल गई, मैं उसे देकर आती हूँ। मुझे दे दो, मैं दे दूंगी। ठीक है। मोटी बहन, आपने कादंबरी से बात तो कर ली है ना, सुभद्रा के वचन के बारे में? वो राजी है ना? लेकिन कादंबरी अच्छे संस्कारों में पली बड़ी है, पापा की बात कभी नहीं डालेगी। इतनी सारी गुलड़ियां सिर्फ एक रात में? इतनी गुलड़ियां तो हम तीनों बहनों ने मिलकर भी नहीं बनाई होगी। ये सब तुमने बनाई? नहीं, मुझसे तो बनी नहीं रही। कल रात तुम्हारी बुरी ने आके मदद की है। मैं सोता रहा और वो बनाती रही। मैं बेवकूफ नहीं हूँ, समझे? और अगर तुमने ये काम कर लिया तो जाना इतराओ मत। और आज ये सारी कुल्हड़ियाँ मैं बाजार में बेचने जा रही हूँ, लेकिन कल से ये तुम करोगे। क्या? मैं? और नहीं तो क्या, अगर रोज बाजार जाऊंगी तो घर का काम कौन करेगा? रात भर से मेहनत करके बनाई है और एक कुल्ली का सिर्फ 2 रुपया? और नहीं तो क्या, 200 चाहिए। और अगर लोग 2 रुपए में ना माने ना तो 1 रुपए में कर देना, और अगर ज्यादा ही मोल भाव करे ना तो 50 पैसे में दे देना, लेकिन उससे कम में मत देना। पर क्या, कुल्लड़िया है तुम्हारे हीरे थोड़ी ना है। हम हर रात 8 घंटे मेहनत करते हैं और तब जाकर मुनाफा 8 रुपए आता है, तब भी हम खुश हो जाते हैं। और अगर किसी दिन 12 रुपया मिल गया तो हम और भी खुश हो जाते हैं।
कुर्सी पे चुप। मैं पाशा भाई के यहाँ से सब्जियाँ और मसाला लेकर आ रही हूँ रात के लिए। मैं आती हूँ, चलो। पूरी रात की मेहनत के बाद इन लोगों को बस इतना ही मिलता है, 2 रुपए। अरे क्या सोच रहे हो? सोचने से गुल्दर नहीं बिकने वाला। अब आज लगाओ जैसे और लोग लगा रहे हैं। गुल्लड़ ले लो, 2 रुपए का 1, 2 रुपए का 1। गुल्लड़ ले लो, ले लो गुल्लड़। अरे लगे छे 2 रुपए की गुल्लड़ी, 2 रुपए की गुल्लड़ी, 2 रुपए की गुल्लड़ी। ले लो। ए छोकरा, केटला नो छे? 2 रुपया, सिर्फ 2 रुपया। तूने बनाए हैं? हाँ। ये ले। कुल्लड़ ले लो, कुल्लड़ ले लो। मालिक का बेटा गुल्ली बेच रहा? हाँ, कल पूरी रात बैठकर खुद ने बनाई है गुल्लियाँ। चलो चलकर देखते हैं। जल्दी जल्दी चलो, देना। वो दोनों आने से पहले पूरी सजावट कहाँ घूम रही है? हाँ, उसके पीछे क्या दौड़ रही है वो बच्चा? तू भी बच्ची है, चल काम कर। कादंबरी यहाँ। तुम अभी बाहर नहीं जा सकती। नहीं जा सकती मतलब? मतलब मत जाओ, मेघना और रसिक आते ही होंगे और मैं नहीं चाहती कि तुम उन्हें घर के बाहर मिले। तो रफी मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा, इस घर में हो क्या रहा है? कभी मुझे साड़ी पहनने को कहा जाता है, कभी मेघना मासी के पैर छूने को कहा जाता है, सुबह से इस घर को सजाया जा रहा है, कोई मुझे बताएगा हो क्या रहा है इस घर में? अब तक मेघना मासी इस घर में कितनी बार आई, फिर आज उनके लिए ये मासी मासी कहना पहले बंद करो तुम। व्हाट? मासी नहीं कहूं मतलब? बात क्या है तरफ? आप बता दीजिए वरना मैं मेघना मासी से पूछूंगी, बिना मतलब का तमाशा खड़ा हो जाए। तेरा रिश्ता पक्का हुआ है? क्या? हाँ, मेघना के बेटे के साथ। तू जब छोटी थी ना तब सुभद्रा ने ये रिश्ता पक्का किया। क्या हुआ चम? अरे कादंबरी कहाँ जा रही हो? बोल, शू थे? डैड, मेघना मासी उनका बेटा, मेरा रिश्ता? हाँ, तेरा रिश्ता। वर्षों पहले सुभद्रा ने अपनी जवान दी थी मेघना। सुभद्रा की बात रखना मेरा भी कर्तव्य है और तेरा भी, समझी गई ना? पर डैड आपने मुझसे पूछा भी नहीं। बोली, पूछना पड़ेगा तुझसे
हैं? आठली नानी आती तू, इतनी छोटी सी थी जब तेरी माँ बीमार गिरी। शरीर में रोग था, दर्द था, पर मन में चिंता कि तेरा क्या होएगा। हमेशा बोलती थी सुभद्रा कि छोकरे माँ के बगैर जीना सीख लेते, बड़े हो जाते, पर छोकरी को माँ की जरूरत पड़ती है। तेरे बारे में सोचती थी वो। उसे उसके जाने के बाद माँ नजर आई तो मेघना में, इसीलिए उसने जाते जाते मेघना को वचन दिया था कि तू बहू बनकर, बेटी बनकर मेघना के घर जाएगी, समझी ना तू? छोटी हो या बड़ी, तेरी माँ की हर इच्छा, हर वचन को पूरा किया है मैंने। अने ये तो उसका अंतिम वचन था, मर कर भी मैं इस वचन को पूरा करूंगा, समझी ना तू? अबे आना पछी कोई प्रश्न नहीं, कोई बात नहीं, तुझे अपनी माँ की अंतिम इच्छा का पालन करना पड़ेगा, बस। चल मैं जा। जोयुने, मोटा थई गया छे तारा संतान, मुझसे पूछा क्यों नहीं? एक बात अच्छी तरह से समझ ले कादंबरी, ये रिश्ता होके रहेगा। ते पैसे कहाँ से मिले तुझे? आज सारी कुरी फट से पिक गई। अगर हम दिन भर धूप में बैठे रहते तब भी कोई इतने पैसे नहीं देता, लेकिन उसने तो एक बार में सारी बेच दी। नाना जी, आप इन पैसों को लेकर कहाँ जा रहे हो? बेटा, मैं ये पैसे उसको देने जा रहा हूँ। उसे क्यों? हम तो देखो दिन में 8 रुपए से ज्यादा कभी नहीं कमा पाते थे ना, और उसने 200 रुपए कमाए हैं, 192 रुपए ज्यादा, ये उसकी मेहनत की कमाई है, ये उसको देना पड़ेगा। और वैसे भी मालिक ने कहा है ना कि जब तक वो मंजरी की पूरी कीमत चुका नहीं देता तब तक उसकी सजा पूरी नहीं होगी। मैं चाहता हूं कि उसकी सजा जल्दी पूरी हो जाए। चलो बेटा बाहर चलो। बेटा थक गया होगा, सोते इंसान को जगाना अच्छा नहीं होता है। नाना जी, अब तो बहुत मजा आएगा जब इसे मच्छर काटेंगे। भूख न देखे झूठो बात और नींद न देखे टूटी घात। तो नाना जी, आज हम इसे झूठा बात दे देते हैं। आपने तो कहा था भूख न देखे झूठा बात। मोगी, तू अभी इतनी बड़ी नहीं हुई कि कहावत का मतलब समझ ले। जब ये उठे तो उसे खाने के लिए पूछ लेना और वही खाना देना जो हम लोग खाते हैं, ठीक है बेटा? ठीक है नाना जी। क्या पागल होगी है तू? ये बात जाके मैं नानका को बताऊं और नानका मान जाएगा? मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ये शादी नहीं करूंगी। अरे पर क्यों? क्योंकि मैं उस लड़के को नहीं जानती। अरे बचपन से साथ में खेले हो तुम दोनों। बचपन में और आज में फर्क है फई,
और माँ की इच्छा के लिए मैं अपनी पूरी जिंदगी नहीं कुर्बान करना चाहती। आप ही बताइए, आज माँ होती तो वो मेरी इच्छा का सम्मान करती ना, वो मेरी खुशियों को समझती, पर डैड वो सालों पहले किए उस वादे को लेकर बैठे हैं, और जिसे मैं ठीक से जानती नहीं उसके साथ मैं अपनी पूरी जिंदगी कैसे बिता दूं। तरुफे, शादी कोई खेल नहीं है ना तरुफे, मेरे भी कुछ सपने हैं, कुछ ख्वाहिशें हैं। जिंदगी भर मैं डैड से डरती रही, शादी के बाद अपने पति से नहीं डरना चाहती। मैं एक पढ़ी लिखी लड़की हूँ, समझदार लड़की हूँ, मुझे एक जीवन साथी चाहिए, मालिक नहीं। मैं ये शादी नहीं करूंगी। देख कादंबरी, कोई और बात होती तो मैं समझ जाती, लेकिन ये सुभद्रा के वादे की बात है। दुनिया इधर की उधर हो जाए बेटा, नानका कभी नहीं इस बात को मानेगा। तू खुद जाके नहीं बता सकती उसे, और तू चाहती है कि मैं जाके बताऊं। एक बात तय है बेटा, मैं इसके बारे में नानका के साथ नहीं बात करने वाली, और अच्छा होगा अगर ये जिद तू भी छोड़ दे, क्योंकि अगर ये रिश्ता नहीं हुआ ना तो फिर आगे से कोई रिश्ता नहीं होगा इस घर से। नानका के लिए उसकी जबान सबसे कीमती होती है, वो कभी नहीं मानेगा इस बात को बेटा। और इसलिए बेटा तू भी शादी से ना मत करना। पर मैं डैड का ये फैसला कैसे मान लूं तरुफई? कादंबरी, ऐसा ही होता आया है और ऐसे ही होता रहेगा। बच्चों की शादियां रिश्ते उनके माँ बाप तय करते हैं, शादियां उनकी मर्जी से होती है, चाहे फिर वो इस दुनिया में हो या ना हो। एक बात अच्छी तरह से समझ ले कादंबरी, ये रिश्ता होके रहेगा। एक बेटी के दिल के करीब सबसे ज्यादा जो रिश्ता होता है वो है माँ का रिश्ता। वो उसे अपने दिल की हर बात कहती है। तुम उससे पूछोगी ना उसके दिल में क्या है, वो शादी करना चाहती है या नहीं। भाभी, आपसे एक बात कहनी थी। जी? आप मुझसे बहुत छोटी हैं, आपको तुम कह के पुकारूं चलेगा ना? जी। मेघना बहन, मुझे मालकिन के बारे में और बताइए ना, वो कैसी थी, क्या क्या करती थी, उनकी आदतें क्या क्या थी, मुझे सब कुछ बताइए। सुभद्रा, सुभद्रा के बारे में बताने लगूंगी तो रातें खत्म हो जाएंगी, लेकिन बातें नहीं। बैठो ना। उसकी एक सबसे अलग बात ये थी, वो साहित्य बहुत पसंद करती थी। उसने एक पोएम लिखी थी, क्या थी? हाँ, इट्स इजी टू क्रिएट लाइफ बट द ट्रू वर्थ ऑफ इट लाइज इन लिविंग इट। बाय द वे, इट्स नॉट लीविंग, इट्स लिविंग। You know, one word can change the whole meaning. एक शब्द पूरा मतलब बदल देता है। क्या लिखती थी वो? क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रही हो? वो मुझे अंग्रेजी नहीं आती है, मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता है। भाभी, इंग्लिश आने या ना आने से कोई फर्क नहीं पड़ता। डीएम को कौन सी इंग्लिश आती है, उसे भी तो सुभद्रा ने सिखाई थी। भाभी, तुमसे एक बात करनी थी। कहिए ना मेघना बहन। वो इतने सालों के बाद जब मैंने कादंबरी को देखा तो महसूस हुआ कि वो बड़ी हो गई है,
मेरा बेटा भी बड़ा हो गया है। जब वो बहुत छोटे थे तो मैंने और सुभद्रा ने दोनों की शादी तय की थी। ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, लेकिन तब में और अब में बहुत फर्क है। सालों बीत गए और कादंबरी अभी बड़ी हो गई है। मैं नहीं चाहती कि कोई भी फैसला कादंबरी के मर्जी के खिलाफ हो। मैं नहीं जानती भाभी कि उसके दिल में क्या है, वो ये शादी करना चाहती है या नहीं। उसकी मर्जी के खिलाफ कोई फैसला हो, मैं नहीं चाहती। अगर ऐसा हुआ तो सुभद्रा को बहुत दुख पहुंचेगा। भाभी आप उसे बात करिए ना। एक बेटी के दिल के करीब सबसे ज्यादा जो रिश्ता होता है वो है माँ का रिश्ता। वो उसे अपने दिल की हर बात कहती है। तुम्हें और तुम्हारे नानाजी को जो चाहिए था वो मिल गया ना मिसेस माहियावंशी बनकर, काफी नहीं था क्या वो? मैं ये तो नहीं जानती कि कादंबरी ने तुम्हें दिल से माँ माना है या नहीं, पर तुम्हारे पास एक मौका है उसे अपनी बेटी बनाने का। आज तुम्हारी वजह से उन वक्त में इतनी हिम्मत आई कि वो मेरे भाई पर उंगली उठा सके। मेरे भाई को कुछ हुआ ना तो मैं तुम्हारा इतना बुरा हाल करूंगी कि कोई तुमसे तुम्हारा हाल पूछने नहीं आएगा। तुम उससे पूछोगी ना उसके दिल में क्या है, वो शादी करना चाहती है या नहीं, पूछकर मुझे बताओगी ना। प्लीज भाभी। जी हाँ। तेरी हिम्मत कैसे हुई सुभद्रा के सामान को हाथ लगाने की? मैंने तुझे पहले भी बोला था सुभद्रा का स्थान लेने का प्रयत्न मत करना, तकलीफ में आवी जाइस। मैंने बीजी एक बात, ये जो मान सम्मान तुझे मिल रहा है ना, ये केवल तब तक है जब तक मेघना इस घर में है। उसके बाद तू समझी गई ना? हाथ ना लगाड़ती आज ना बची।